ਇਤਿਆਦ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰਹਿ ਜੇਲਮ ਚੌਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਰੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਵਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੀਸ ਆਫ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ के साथ हम मिल के इंशाल्लाह आस्थाने पे हाजिरी भी देंगे और चादर भी दरबार शरीफ बहुत आउटस्टैंडिंग है माशाल्लाह जी आस्थाने वक्त निकाला और आप किबला पीर साहब के साथ स्पेशली तशरीफ़ लाए भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी काविशों को आपकी मेहनतों को अल्लाह करीम मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जियो पठवार टीवी ने रंग ज़फ़रान क्रेशी ने संग वालो सो खैरी मेरी हो सो आज ना करने व्लॉग स्टार्ट पीर सैयद ज़ुबैर शाह साहब साढ़े नाल मिर्ज़ा एहसन साहब साढ़े नाल जनाब शाह जी जी बिस्मिल्लाह है बड़ी प्यारी सीनरी विच खलते हो प्यारा अच्छा व्यू है जी ये असन एक नवी स्कीम है गुजरखान दी माशाल्लाह इतू असा अपने सफर का इंशाल्लाह शुरुआत करदे पे हां और गुजरात वास्ते असन ने बड़े प्यारे मोहतरम दोस्त नसीबी सिलसिले नाल उन्हां दा तल्लुक है पीर सैयद हसनैन ज़हूर नसीबी साहब आप दे अबाव अजदाद दा सालाना उर्स दी एक तकरीब है उत्थे इंशाल्लाह सुनिया शिरकत है हाजरी है और वली दे दर पर चले हैं अल्लाह पाक खैर फरमाए जी मिर्ज़ा जी आई ड्राइव तुसा ही कर सो बिल्कुल जनाब अच्छा नाल जा रहे हैं ईरान दर पर अल्लाह ताला खैर करे बड़ी इत्तेआद ना ड्राइव करनी इंशाल्लाह बेफिक्र हो केयरफुली ड्राइविंग इंशाल्लाह नाल ना तो केयरफुली रहसा बस ते बाकी माहौल जड़े हो सण ओ भी दसा ते चलने आ सफर ना करने आगाज चा जी आओ जी वीरो बिस्मिल्लाह गड्डी सामने खलती जी ते चलने आ गुजरात शहर लो जी अल्लाह ने बाबरकत ना तू असा अपने सफर ना आगाज करी दिता गुजरखान एरिए तू गुजरने पे अल्लाह पाक है खरीयत नाल सारे की बचाए जी अपनी अपनी मंजर पर लो जी इस टाइम असा तरक्की जोड़ा पहुंच गए जी माशाल्लाह बड़ा प्यारा व्यू है सफर ते जा रहा लो जी कैसा सफर जा रहा मिर्ज़ा जी सर बहुत अच्छा बड़ा आरामदेह सुकून में जा रहे हैं इंशाल्लाह ये सामने व्यू बड़ा प्यारा है जी वाह जी वाह मौसम भी बड़ा अच्छा है बहुत प्यारा मौसम है ना शहर विच एंट्री होगी साड़ी जी दीना शहर अच्छा सफर जा रहा जी बाहर तो गर्मी है अंदर थोड़ा जहा एसी नाल माहौल ठंडा है जेलम चौक आ गया जी रहा है जेलम जनाब शहर आ गया खारियां खारियां पहुंच गया जी हूं तक हो गया तकरीबन पौने घंटे ना सफर है अगे लो जी जनाब गुजरात ने एरिए चावल तखो चावल लगे इधर तखो माशाल्लाह माशाल्लाह जी पानी भी लगे ते पठवारा ले जाने साढ़े पास इस तरह माहौल नहीं है पर कुछ कुछ इलाके होने नाथ नाथ रोड जी गुजरात केड़ी जी हसन भाई नाथ रोड जी कोई अच्छा हां जेडी तुम कोई फिल्म नहीं सी पाकिस्तानी मौला जाट उस केड़ा नहीं और नूरी नाथ वो तो ही शोर हो जाना जी अच्छा अच्छा हां ए एरिया से लो जी गन्ना आ गया है गन्ना इथे रवाई होया है
तकरीबन 15 किलोमीटर ने फासले तो जनाब बिल्कुल नज़दीक ही है, 15 किलोमीटर रह गया जी, बिल्कुल 15 किलोमीटर रह गया। तो अपनी मंजिल पर पहुँचने वाले हैं, तो फिर अगर भी डिटेल देने पुछसा तो वह भी दसा तुसा डिटेल इंशाल्लाह। गया जनाब पहुंच गया, गैस कोटी वगैरह खलती है, तो दरबार इस साइड है, तो रिहायशगाह इस साइड है। हूँ अंदर जा सा जनाब, पीर साहब ने सवाल कर रहे हैं। तीन घंटे बाद पहुंचे हैं, तो हम जनाब खाना खान जुले हैं, खाना इतने खासा जी। खाना खा रहे हैं, इस तो बाद देखने हैं अगे दरबार जाने हैं या फिर पीर साहब ने मुलाकात करनी। क्या प्रोग्राम है जी? हम दरबार शरीफ चल रहे हैं जी, अब इस वक्त चादरपोशी का इंशाल्लाह वहाँ पे गैदरिंग हुई हुई है, तो पीर साहब भी बड़े ज़्यादा निशीन जो है वहाँ पे मौजूद हैं, और उनके साथ हम मिल के इंशाल्लाह आस्थाने पे हाजिरी भी देंगे और चादर भी दरबार शरीफ। चलो जी चलने हैं तुसें बाहर, तो बाहर भी चेक कराने हैं, बड़े लोग खलते जी माशाल्लाह बाहर है, तो चादरपोशी हो सी हूँ इतों कल मैंने फिर तो पिया होना इतने हाँ साहब की फिलहाल बैठक में बैठाया गया, तो थोड़ी देर बाद दरबार जा सन, सलाम शाम कर सन।
जनाब रात को इतने महफल होती इन्होंने जनाब प्रोग्राम हो गए इन्होंने कवालियां मुख्तलिफ प्रोग्राम बड़ा पंडाल है मोइना कर पीता शाम ना टाइम है बहुत आउटस्टैंडिंग है माशाल्लाह जी असने क्योंकि इस्लामाबाद एरिया बढ़ रहे हैं हर चीज लेकिन मैं उम्मीद नहीं थी कि गुजरात की इतना खूबसूरत एक सेटअप बनाया जाना है अस्ताना आलिया नसीबाबाद शरीफ मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है यहाँ के अस्ताने के सज्जादा नशीन हीर हसनैन ज़ऊर नसीबी आप माशाल्लाह से इस सिलसिले को बड़े अच्छे और अहसन तरीके से चला रहे हैं और जो कुछ आगे इनका जो प्लान्स हैं वो आपको पीर साहब की ज़ुबानी वो बेहतर तौर पे आपको बता सकेंगे अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं ठीक हैं ये बताएं आपका सिलसिला और आगे जो ये उसका जो प्रोग्राम चल रहा है इसके मतलब कोई गाइड करें पहले तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और दरबार आलिया कादरिया नसीबाबाद शरीफ ये टांडा रोड गुजरात में वाक़ है और ये एक कदीम दरगाह है और इस दरगाह की पहचान इल्मी हैसियत और इल्मी कैफियत की वजह से हज़रत पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कि मेरे दादा हैं ये सारा प्रोग्राम और ये सारे जो प्रोजेक्ट अभी तक आप देख के आए हैं ये सारा आपकी मेहनत और कोशिश और काविश का ये नतीजा है आपने सारी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फ़रोग और एक मुखलस सूफ़ी होने की हैसियत से पूरी दुनिया में अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को पहुँचाया बिला तफरीक बग़ैर किसी तफरीक के किसी मज़हब किसी फ़िरका की बिला तफरीक हर मज़हब और हर फ़िरके से तल्लक रखने वाला बंदा आपसे फैज़याब है और आगे इंशाल्लाह क्योंकि आज 14 अक्टूबर बरोज़ सवार आज एक बड़ा सालाना जो हमारा बुजुर्गाना नसीबाबाद शरीफ का जो उर्स पाक का जो सिलसिला होता है वो आज इनेकाद पज़ीर है और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ARYQ TV के ज़रिए से पूरी दुनिया में आज लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे इसमें दुनिया भर से उलमाए किराम मुशायख अज़ाम और दीगर सियासी और समाजी और मीडिया से वाबस्ता बहुत सारे हमारे मुहिबान जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं और आगे इंशाल्लाह हम हज़रत पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह यूनिवर्सिटी का हमारा प्रोग्राम है और इसके बाद ऑलरेडी जो चीज़ें हमारी पाइपलाइन में चल रही हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे काम कर रहे हैं उसमें नसीबी मूवमेंट इंटरनेशनल और इसके बाद नसीबी ब्लड डोनेशन कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ब्लड डोनेट हो रहा है और इसके बाद हमारे पास जामियात हैं बच्चियों के बच्चों के जामिया फजल उलूम रजविया के नाम से
और स्कूल दी पंजाब के नाम से काम इस वक्त हमारे पास कर रहे हैं, और ये बच्चे भी हमारे पास दरसो तदरीस में हिफ्ज़, नाजरा और दीगर कुरानी तालीमात से मुस्तफीद हो रहे हैं। ये सिलसिला क्योंकि हमें अबाउ अजदाद से मिला है, नबी पाक सरकार दो आलम सल्लम का ये ख़ास करम है हजूर का कि आपने ज़िंदगी में जो जिस तरीके से उसवा हसना इस उम्मत को दिया है, हम उसी तरीक़ाकार के मुताबिक आने वाले तमाम तरह अहबाब को हजूर की मोहब्बत से, हजूर के अखलाक से और सरकार की दीनी तालीमात से उनके दिलों को रोशनास करने के लिए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और पीर सैयद ज़ुबैर शाह साहब ये हमारे मोहसिन वो भाई हैं जिनकी दुआओं से और जिनकी मोहब्बत से हमारा ये ज़िंदगी का सफर रवा दवा है। तो बस दुआ की ज़रूरत है कि अल्लाह करीम हमें इस पर इस्तकामत दे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला और आप क़िबला पीर साहब के साथ स्पेशली तशरीफ़ लाए, भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपकी काविशों को, आपकी मेहनतों को अल्लाह करीम मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। हूँ नेरा पै गया काफ़ी, तो हूँ वापसी नहीं तैयारी है बस। बड़ी प्यारी लाइटिंग हुई है माशाल्लाह, गड्डी साड़ी खलती है हूँ, बेसा तो जुलसा तो घर, क्योंकि साढ़े तीन चार घंटे का सफ़र है। बाहर निकलने जनाब, इतने काफ़ी सारे ठीए भी लगे, जलेबी, बहुत कुछ चीज़ इतने लिया ने।